भीलवाड़ा के अंदर वोट देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी खुद इस बार आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहे। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इसी दरमियान वहां पर भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर जब आज सुबह से वोटिंग जारी है तो इसी दरमियान एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। ये बुजुर्ग की मौत से लेकर के हाल फिलहाल अभी ताजा वोटिंग कहां तक हो चुकी है, आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं, क्या भाजपा और कांग्रेस इन दोनों के बीच में तनातनी वहां पर देखने को मिली, इन सभी की तमाम जानकारियां देखिए हमारी रिपोर्ट में। भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में मतदान शुरू हो चुका है। यहां से कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी और भाजपा के दामोदर अग्रवाल में बीच के अंदर मुकाबला है। भाजपा ने प्रचार में पूरा दमखम लगाया। दामोदर अग्रवाल के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभाएं भी की थी। भीलवाड़ा के पूरे कस्बे में मतदान देने आए बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। छागन लाल, जिनकी उम्र 80 साल थी, वोट देने के लिए आए थे। इस दौरान चक्कर आया और अचेत होकर के नीचे गिर गए। इसके बाद उनकी मौत हो गई। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे तक आसीन में 25.16% मतदान हुआ। इसके अलावा भीलवाड़ा में 26.68%, जहाजपुर में 23.78%, मॉडल में 28.8%, तो मांडलगढ़ में 23.77% और शाहपुरा में 26.80% तक मतदान अभी तक दर्ज किया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में तय, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।